press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. So what's up everybody, welcome to my channel Pigeons Lover aur main hu Manish Jihan. सो गाइज आज आपको मैं एक ब्लैक पेयर से रूबरू कराऊंगा. मेरे पास बहुत ओल्ड एक मेल था, ब्लैक मेल मद्रासी. सो पहले तो मैं उसे गोला समझता था, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी उसे गोला बता रखा है, लेकिन अब कुछ दिनों बाद मेरे को पता लगा कि वो गोला नहीं मद्रासी है. सो मैं उसकी फिर फीमेल लेके आया. सो आपको वो पेयर दिखाता हूँ मैं. सो गाइस ये है वो पहला मेल. सो गाइस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये कबूतर आपको कैसा लगा. मैं अभी बहुत तगड़ी धूप हो रही है, अभी टाइम हो रहा है 1:01 और मैं इतनी धूप में वीडियो बना रहा हूँ. सो गाइस ये है वो मेल. ये पहले मेरे गोला लगता था. सो गाइस ये मोमिया चोंच है इसकी, हल्की सी, एकदम हल्की सी जामुनी टाइप में है, मोमिया चोंच है ये इसकी पलके. और मैंने गाइस इसे कैच मार रखी है. एक्चुअली हुआ क्या था, एक बार मैं कबूतर फड़का रहा था तो कैंची में भाग गया था, तो 3 दिन बाद ये मेरे को मिला था, ये किसी बच्चे ने पकड़ रखा था. सो जब ही मैंने इसके, सो गाइज इसीलिए मैंने इसे कैच मार दी थी, बार बार दीवार पे बैठ जाया करता था. सो आपको मैं पंजे दिखा देता हूँ. सो इसके पंजे तो काफ़ी गंदे हो रखे, आजकल रेन का सीज़न है इसीलिए इनके पैरों में बीट लग जा रही है. तो गाइज आप अपने भी कबूतरों का ध्यान रखा करें, अगर जिस कबूतर के पैर में ज़्यादा बीट रहती है. सो मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं उसकी लिंक, कि कबूतर के इतने मोटे मोटे बीट चिपक जाती है पैर में तो उसे कैसे छुड़ाया जाता है केयरफुली. सो गाइस इसके पंजे सो खैर तो दिख नहीं रहे, ये भी जामुनी जामुनी से, आपको यूं ही व्यू दिखा देता हूँ, काफ़ी गंदे हो रखे हैं. सो आपको इसकी पूंछ दिखा देता हूँ, पूरी पूंछ है. सो गाइस इसकी, सो ये रहा मेल. सो अब आपको इसकी फीमेल दिखाता हूँ. सो गाइस ये है उसकी फीमेल. गाइस आप ये मत सोचिए कि ये दोनों एक ही हैं, मैं आपको दोनों इकट्ठे दिखाऊंगा एक साथ. सो गाइस ये कल ही लेके आया हूँ मैं रात को. सो अभी ये मस्ता नहीं रही, कुछ दिन लगेंगे, 2 या 3 दिन. सो इसका जोड़ा पक्का जोड़ा लग जाएगा उसके साथ. सो ये आँख से भी वैसी है, चोंच से भी वैसी है, इसकी थोड़ी ज़्यादा डार्क हो जा रही है चोंच, ये भी पीली आँखों में. आपको इसके आँखों का व्यू दिखाता हूँ, फोकस हो जाए एक बार. सो ये भी पूरी जेड ब्लैक है. और गाइज मैं इसकी पूंछ दिखा दूं आपको, इसकी पूंछ थोड़ी फट गई है, कल मैं जब इसे पकड़ने गया था तो पकड़ में नहीं आ रही, तो मैंने फाड़ दी गलती से इसकी पूरी पूंछ. सेम ये वैसी ही है और ये फीमेल है. सो गाइज मैं अपने जितने मेरे सेम पेयर्स हैं उनके मैं ऐसी रिंग डालता हूँ, मैं रिंग्स की भी वीडियोज़ बनाऊँगा आगे. सो गाइज मैं ऐसी रिंग्स डालता हूँ, ये इस पैर में 6 रिंग है और इस पैर में 6 रिंग है. सो आप ये मत समझना कि इससे कबूतर को कोई परेशानी होती, इससे कबूतर को कोई परेशानी नहीं होती, हाँ 2-3 दिन तक परेशानी होती है. तो इसके पंजे दिखा देता हूँ, इसके पंजे साफ है इसके, लेकिन पूरे ब्लैक पंजे हैं, नर के थोड़े सही है मोमिया टाइप में. सो इसके पंजे देख लो आप, सो गाइस ये है मादिन.
सो गाइस, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। मैं कहीं तैयारी में लगा हूँ किसी कबूतरों की। सो गाइस, कल ही उन सब कबूतरों की कैंची लगी है, तो मैं आज अपने छत पे आके वीडियो बना रहा हूँ। सो अब शायद से कंटिन्यू वीडियोज़ आएंगी। सो आपको एक बार पूरा पेड़ दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये है फीमेल और ये है मेल, आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। सो ये देखिए गाइस, सेम, बिल्कुल सेम जोड़े हैं। सो इनकी पूंछ देख लीजिए, इसकी मादिम की ज़रा सी फटी हुई पूंछ है। मतलब कबूतरों में हर चीज़ इक्वल ही है, इसके भी उतनी कैच मारी जितने मेल के मारी है। इसके छल्ले देख सकते हैं आप, बैंगल डले हैं इसके। सो नर के भी देख सकते हैं मेल के। सो गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और गाइस, वीडियोस पे व्यूज तो बहुत आते हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब करके नहीं जाता, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो। सो आप देख लीजिए जोड़ा, आपको एक बार छोड़ के दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये है जोड़ा। सो गाइस, अभी मैं इनका पेयर लगा रहा हूँ, अभी इनका पेयर लगा नहीं है लेकिन दोनों मेल फीमेल है, आप देख रहे होंगे मेल फीमेल को मार भी रहा है। सो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।